हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी, और ये मेरे पीछे खड़ी है हाई राइडर टोयोटा की, एंड ये न्यू वेरिएंट है और ये इसकी टॉप मॉडल है। और कलर की बात करें तो हमारे पास अभी के ब्लैक कलर में अवेलेबल है। और जल्दी से गाड़ी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं, बिकॉज इसके फीचर्स और स्पेक्स काफ़ी ज़्यादा हैं, बिकॉज ये टॉप एंड है। हमें इसमें काफ़ी सारे हाईलाइटेड फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि आप सभी को बता दूँ तो 360 कैमरा मिल जाता है, हमें 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, फुल LED सेटअप मिलता है, और भी तमाम सारी चीज़ें हैं बताने के लिए आप सभी को, जैसे कि पैनारोमिक सनरूफ है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आप सभी को एक डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड करते हैं इस गाड़ी के बारे में, जिससे कि आप सब जब गाड़ी परचेस करने जाओगे तो आप सभी काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट हमें गाड़ी दिखती है कुछ इस तरीके की, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करती है, बिकॉज सामने हमें यहाँ पे क्रोम का डिज़ाइन दिख जाता है जो कि बहुत ही बेहतरीन दिखता है। और यहाँ पे हमें बीच में टोयोटा की ब्रांडिंग मिल जाती है, एंड हमें अलॉय व्हील्स पे भी टोयोटा की ब्रांडिंग मिलती है। बात करें गाइस लाइट्स की, तो हमें यहाँ पे LED हेलोजन लैंप प्रोवाइड हो जाता है, और हमें डे टाइम रनिंग DRS प्रोवाइड होते हैं, जो कि यहाँ पे एंड ये नीचे इन दोनों स्ट्रिप्स में जलते रहते हैं। अभी आप सभी को एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। बाकी गाइस सामने से बात करें तो हमें ब्लैक में पियानो फिनिश में यहाँ पे डिज़ाइन दिख जाता है। पियानो फिनिश एंड क्रोम इन दोनों को मिक्स करके बनाया गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इस कलर की बात करें तो हमें केव ब्लैक में ये कलर मिलता है, और ये गाड़ी ब्लैक में इसी कलर में अवेलेबल है, जेड ब्लैक में नहीं है। पियानो फिनिश की बात करें गाइस, तो पियानो फिनिश काफ़ी ज़्यादा जगह पे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एंड फिर यहाँ पे हेलोजन लाइट्स के बगल में, और फिर सामने ये जो ग्रिल दी हुई है ये भी पियानो ब्लैक कलर में दी हुई है। एंड फ्रंट कैमरा की बात करें तो हमें यहाँ पे फ्रंट कैमरा मिल जाता है, और इसमें गाइस हमें 360 कैमरा मिलता है। अब आ जाते हैं गाइस साइड प्रोफाइल पे, तो साइड से गाड़ी हमें दिखती है कुछ इस तरीके की, और हमें 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, एंड हमें चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक प्रोवाइड होता है, और हमें अपोलो के टायर्स मिल जाते हैं। क्लैडिंग की बात करें तो हमें इस पूरे गाड़ी पे ऐसे पतली सी क्लैडिंग दिखती है, जो कि इसका लुक काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी कर देती है। एंड यहाँ पे बात करें गाइस, तो यहाँ पे भी हमें क्रोम लाइन मिल जाती है, जिसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, और काफ़ी अच्छे तरीके से टोयोटा वाला ने इस पर काम किया है, बिकॉज कई सारे गाड़ियों की फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आती है। कीलेस एंट्री हमें यहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है। एंड साइड मिरर्स की बात करें गाइस, तो साइड मिरर्स के नीचे यहाँ पे हमें मिल जाता है राइट साइड वाला कैमरा, और इसी तरीके से गाइस पूरा हमें सेटअप मिलने वाला है। एंड रूफ रेल्स इसमें पतले से हमें लगे हुए दिखते हैं, किसी काम के नहीं है, बट ये लुक थोड़ा इन्हेंस ही कर देते हैं गाड़ी का। एंड अब आ जाते हैं गाइस गाड़ी के रियर साइड में। रियर से हम बात करें तो रियर से गाड़ी दिखती है कुछ इस तरीके की, एंड यहाँ पे आप सब देखोगे तो वी नियो ड्राइव यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड लेफ्ट साइड की बात करें तो अर्बन क्रूजर हाई राइडर, एंड बीच में हमें टोयोटा की बैजिंग मिल जाती है, एंड यहाँ पर हमें रियर कैमरा मिल जाता है। तो इस तरीके का है गाइस पीछे से कुछ ओवरऑल लुक। यहाँ पे हमें स्पॉयलर्स मिल जाते हैं, रियर वाइपर मिल जाता है, और हम अगर लाइट्स की बात करें गाइस, तो हमें यहाँ पे LED सेटअप मिलता है पूरे के पूरे लाइट्स का। तो LEDs पे काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है, एंड इससे काफ़ी ज़्यादा इसका लुक इन्हेंस हो जाता है। अब आ जाते हैं गाइस लेफ्ट साइड की प्रोफाइल पे। हमें लेफ्ट साइड से गाड़ी दिखती है गाइस कुछ इस तरीके की, यहाँ पे फ्यूल लिड है, एंड अगेन ये क्रोम लाइन गाइस काफ़ी ज़्यादा इसका लुक और अच्छा कर दे रही है। आप सभी बताना कमेंट सेक्शन में कि आप सभी को कैसा लग रहा है ये। हमें ऊपर यहाँ पे शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, एंड हमें यहाँ पे पैनारोमिक सनरूफ मिल जाता है। अभी आप सभी को अंदर चल के एक बार पैनारोमिक सनरूफ दिखाता हूँ किस तरीके का दिख रहा है। एंड लेफ्ट साइड में गाइस हमें फिर रियर व्यू मिरर के नीचे यहाँ पे हमें कैमरा सेटअप मिल जाता है, तो 360 डिग्री कैमरा सेटअप है, तो इसीलिए हमें चारों तरफ कैमरा मिल रहा है। और अब गाइस गाड़ी के अंदर चल के बात करते हैं। अब गाइस गाड़ी के अंदर एंटर करते हैं एंड देखते हैं हमें गाड़ी में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो गाइस जैसे ही हम डोर ओपन करते हैं हमें दिखता है कुछ इस तरीके का सेटअप, और लुक काफ़ी बढ़िया लगता है हमें। जैसे हम अंदर बैठते हैं हमें एक प्रीमियम गाड़ी में बैठने का फील आता है। इस वेरिएंट की बात करूं गाइस, तो ये वेरिएंट हमें टोटल 22 लैक्स का मिल जाता है, एंड यहाँ पे पूरा स्टार्ट एंड स्टॉप बटन है, तो इसे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा कुछ डिजिटल कंसोल दिखता है इस तरीके का। राइट साइड में हमें स्पीडोमीटर मिल जाता है, लेफ्ट साइड में हमें RPM मीटर मिल जाता है, यहाँ नीचे हमें फ्यूल इंडिकेटर दिख जाता है, एंड इस साइड हमें टेम्परेचर दिख जाता है। और गाइज जैसे ही आप गाड़ी में एंटर करोगे तैसे ही आपको एक 360 व्यू दिखाता है ये, बिना ही कुछ टच किए। ये पहले आपको 360 व्यू दिखाएगा आपके सराउंडिंग के बारे में, सराउंडिंग में कैसा है, ऊपर से भी एक बार दिखाएगा, एंड उसके बाद से गाइस अगर हम इस डिजिटल कंसोल की बात करें गाइस, तो हमें सामने यहाँ पे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी रेंज, एंड ये ऑटोमेटिक है गाइस, तो यहाँ पे P मतलब पार्किंग लिखा हुआ है, एंड टोटल कितना किलोमीटर चली है, टाइम, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें गाइस इस पे दिखाई देती हैं। इस साइड हम जब ट्रिप पे क्लिक करेंगे तो गाइस आपको ट्रिप A, ट्रिप 2 एंड टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स गाड़ी कितना चली है वो दिखाता है। गाइस जैसे ही हम इधर राइट साइड में
राइट साइड में क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे ड्राइविंग टाइम, टोटल आइडल स्टॉप टाइम एंड में एक डिजिटल घड़ी भी दिखाई देती है एंड मोशन फ्रंट रियर, टॉर्क, पावर, एक्सेलरेटर, ब्रेक कितना यूज़ हो रहा है, इंजन, मोटर एंड बैटरी पे कितना ज़्यादा लोड पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें गाइज हमें इस डिजिटल कंसोल पे ओवरऑल दिखाई देती हैं। तो इस तरीके का है इसका कुछ डिजिटल कंसोल एंड हमें यहाँ पे टॉप स्पीड दिखाई देती है 220 किलोमीटर्स की। तो इस तरीके का है गाइज हमारा टोटल डिजिटल कंसोल। अब आ जाते हैं गाइज इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम हमें इसका दिख जाता है कुछ इस तरीके का एंड यहाँ से गाइज बात करें तो हमें इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में काफ़ी कुछ मिल जाता है जैसे कि फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज और रेंज। एंड जब आप सेटिंग्स ओपन करते हो सेटिंग्स में गाइस आपको सिस्टम सेटिंग्स, मीडिया सेटिंग्स, कनेक्टिविटी सेटिंग्स एंड व्हीकल इन्फो सेटिंग कि आपको सर्विस इंटरवल वगैरह सब कुछ चीज़ इसमें दिखाई देता है। एंड उसके बाद से गाइस जब हम होम पे आ जाते हैं, होम पे आने के बाद हमें यहाँ पेयर डिवाइसेस, फेवरेट्स, कनेक्ट, आप एप्पल कारप्ले भी कनेक्ट कर सकते हैं और बाकी हमें बेसिक चीज़ें जैसे कि टाइम, डेट, जीपीएस वगैरह ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं इस डिस्प्ले पे। अभी आप सभी को इसकी ऑडियो क्वालिटी सुनाता हूँ। ऑडियो क्वालिटी मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, आप सभी को एक बार सुनाता हूँ, आप सब बताना कमेंट सेक्शन में आप सभी कैसी लग रही है। अगर इसके डोर की बात करोगे गाइस तो डोर पे हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल साइड मिरर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे डोर अनलॉक एंड लॉक के बटन्स एंड यहाँ पे विंडो लॉक के बटन्स एंड यहाँ पे हमें चारों पावर विंडोज़ मिल जाते हैं एंड ये सब हमें पियानो फिनिश मतलब ग्लॉसी फिनिश में मिलता है। डोर हैंडल की बात करें तो ये भी हमें क्रोम मिलता है और अगर मटेरियल की बात करें तो सॉफ्ट टच मटेरियल इस्तेमाल हुआ है गाइस जो कि गाड़ी को और ज़्यादा प्रीमियम फील कराता है, और ज़्यादा प्रीमियम लगता है। एंड गाइस हम डैशबोर्ड पर बात करें तो हार्ड प्लास्टिक ज़्यादा नहीं इस्तेमाल किए गए हैं इस पर, काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। गाड़ी आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील कराने वाली है। यहाँ पे आप देखोगे तो स्टिचिंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से करी गई है और काफ़ी ज़्यादा आपको प्रीमियम टेक्सचर यहाँ पे फील होगा। ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स में गाइस डिसेंट स्पेस है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम बट डिसेंट स्पेस है। और सनशेड की बात करें गाइस तो हमें सनशेड में यहाँ पे लाइट भी मिल जाती है एंड ड्राइवर सनशेड की बात करें तो ड्राइवर सनशेड में भी हमें मिरर भी मिल जाता है, लाइट्स भी मिल जाती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो जिसपे कि काफ़ी सारी गाड़ियाँ काम नहीं करती हैं। स्टेयरिंग व्हील की बात करें गाइस तो स्टेयरिंग व्हील पे हमें प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस साइड राइट साइड हमें क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाते हैं, लेफ्ट साइड हमें मोड सेलेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है एंड ट्यून ट्रैक चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, वॉल्यूम अप डाउन एंड म्यूट करने का ऑप्शन मिल जाता है, इधर कॉल पिकअप कॉल एंड वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन मिल जाता है एंड हमें टोयोटा की बहुत ही शानदार बैजिंग मिलती है स्टेयरिंग पे। तो इस तरीके का है गाइस इसका स्टेयरिंग व्हील। बात कर लें इसके एसी सेटअप की तो एसी सेटअप हमें इसका दिखता है कुछ इस तरीके का। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आती है ये गाड़ी एंड ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टॉप स्टार्ट, ये सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पे हमें 120 वोल्ट्स का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, इधर हमें यूएसबी सॉकेट मिल जाता है और यहाँ पे गाइस हमें वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है एंड नॉर्मल हैंड ब्रेक। और यहाँ पे बात करें तो आर्मरेस्ट के नीचे हमें काफ़ी डिसेंट स्पेस प्रोवाइड हो जाता है, आर्मरेस्ट भी एडजस्टेबल है एंड गाइस यहाँ एम दिया हुआ है जो कि है मैनुअल और यहाँ से आप मैनुअल गियर शिफ्टिंग कर सकते हैं, प्लस माइनस यहाँ पे दिया हुआ है। गाइस यहाँ पे हमें ऑटो ओ आर वी एम मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब हम रात के टाइम अपनी गाड़ी ड्राइव करते हैं। सनरूफ की बात कर लें गाइस तो हमें सनरूफ मिलता है कुछ इस तरीके का, पैनोरामिक सनरूफ एंड अब हम इसे ओपन करते हैं। यहाँ से अभी इसका शेड हट रहा है तो दिखाता हूँ आप सभी को एक बार इस सनरूफ की साइज़, काफ़ी बड़ी है और काफ़ी ज़्यादा आप सभी को एयरी फील कराने वाली है। सिंगल टैप में हट गया। अब गाइस सनरूफ ओपन होने के बाद रियर सनरूफ भी काफ़ी ज़्यादा पीछे जाता है एंड ऊपर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है जिसमें से कि आराम से दो लोग तो निकल ही सकते हैं। एंड गाइस हम ये सनरूफ कर्टन की बात करें तो ये हमें नॉर्मल मटेरियल प्रोवाइड होता है, हार्ड नहीं है और ये पीछे जाके रोल हो जाता है, इसीलिए गाइस पैनोरामिक सनरूफ में सॉफ्ट मटेरियल दिया जाता है। एंड गाइस यहाँ लाइट्स की बात करें तो हमें यहाँ पे नॉर्मल येलो लाइट्स मिल जाती हैं, यहाँ पे हमें सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है जिसमें कि आप अपने चश्मे रख सकते हो, दैट्स इट। सामने हमें चार चार एसी वेंट्स मिल जाते हैं एंड यहाँ पे हमें हजार्ड लाइट का बटन मिल जाता है गोल्ड सा और यहाँ पे गाइज एक व्यू का बटन दिया हुआ है। इस व्यू के बटन पे जब आप प्रेस करते हो तो आप सभी को ये 360 व्यू एक बार दिखाता है कि गाड़ी के सराउंडिंग में क्या क्या चीज है, फिर आपको ऊपर से दिखाता है एक बार गाड़ी। तो इस तरीके का है गाइज 360 डिग्री कैमरे का सेटअप और ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है अगर आप न्यू ड्राइवर हो या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में चलना है, तब ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। पैसेंजर सीट की बात करें, पैसेंजर डोर की बात करें तो पैसेंजर डोर में भी हमें यहाँ पे पियानो फिनिश में मिल जाता है और इधर भी हमें काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाते हैं
एंड प्रीमियमनेस काफ़ी ज़्यादा है इस गाड़ी में। प्रीमियमनेस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हमें प्रोवाइड करती है। आप जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठोगे आप सभी को फील होगा कि आप किसी प्रीमियम गाड़ी में बैठे हो। हेडरूम की बात करें गाइस, तो हमें डिसेंट हेडरूम मिल जाता है यहाँ पे, और मेरी हाइट है 6 फीट, तो मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो आई होप आप सभी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। अगर हम गाड़ी में एयरबैग की बात करें तो हमें टोटल 6 एयरबैग्स मिलते हैं, 2 फ्रंट सीट के लिए, 2 रियर सीट के लिए, एंड साइड में एयरबैग मिल जाते हैं। एंड स्पीकर की बात करें गाइस, तो हमें 4 स्पीकर्स मिलते हैं एंड 2 ट्विटर मिलते हैं। और अभी आप सभी को एक बार इसकी साउंड क्वालिटी भी चेक कराता हूं, आप सब बताना आप सभी को कैसा लग रहा है। तो गाइस, इसका वॉल्यूम अगर हम 30 पे लेके जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आप सभी को अच्छा फील होगा। तो गाइस, साउंड क्वालिटी इसकी मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। आप सब भी जब स्टोर विजिट करोगे तो आज आराम सुन सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी आप सभी को भी लगने वाली है। यहाँ पे हमें 2 कप होल्डर्स मिल जाता है, बट ये कूलिंग फैसिलिटी के साथ नहीं उपलब्ध है, तो हमें इसी तरीके से यहाँ पे काम चलाना पड़ेगा। फ्रंट सीट की बात करें गाइस, तो फ्रंट सीट हमें बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मिल जाती है, और अभी आप सभी को एक बार बाहर उतर के भी दिखाता हूँ। गाइस, ड्राइवर सीट की बात करें, ड्राइवर सीट है कुछ इस तरीके की, एंड ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल नहीं है, हमें इसे मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है, हाइट एडजस्ट, एंड आप इसे रिक्लाइन कर सकते हो, तो ये सारी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ हमें यहाँ पर मिलती हैं। अब गाइस, आप सभी को एक बार रियर सीट्स दिखाता हूँ। रियर सीट्स है गाइस गाड़ी कुछ इस तरीके की, एंड हम एंटर करते हैं, एंड हमें एंटर करते ही यहाँ पे एसी वेंट्स दिखाई देता है। एसी वेंट्स के नीचे हमें यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, एंड इसे जब हम ओपन करके देखते हैं गाइस, तो हमें एक USB सॉकेट मिलता है, एंड दूसरा ओपन करते हैं, दूसरा हमें टाइप सी सॉकेट मिलता है। ये वाला USB सॉकेट है एंड ये वाला टाइप सी सॉकेट है, तो इस तरीके का हमें दो दो सॉकेट मिल जाता है। एंड रियर डोर की बात करें गाइस, तो रियर डोर हमें इस तरीके का दिखता है, सेम एज फ्रंट डोर। के स्पीकर यहाँ लगा हुआ है, एक स्पीकर इस साइड, एक स्पीकर इधर, एक स्पीकर इधर, एंड 2 ट्विटर्स, एक लेफ्ट डोर पे, एक राइट डोर पे, तो इस तरीके से है गाइस इस गाड़ी का ओवरऑल स्पीकर सेटअप। रियर में बैठ के आप सभी जब फ्रंट में लुक देखते हैं गाइस, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी का फील ये गाड़ी दिलाती है। एंड इसकी प्राइसिंग रेंज की बात करें तो 20 से 22 लाख की इसकी रेंज है। गाइस, रियर सीट के हेडरूम की बात करूं तो मेरे लिए ये हेडरूम कट टू कट है, ना ही बहुत कम है ना ही बहुत ज़्यादा है। एंड लेग रूम की बात करूं गाइस, तो लेग रूम हमें डिसेंट मिल जाता है, डिसेंट क्या काफ़ी अच्छा मिल जाता है, बिकॉज ये सीट्स अभी पूरी पीछे हैं, उसके बाद भी मुझे थोड़े बहुत स्पेसेस मिल जा रहे हैं, तो लेग रूम के लिए तो बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करूंगा, बट हेड रूम में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन है। एंड यहाँ पे भी हमें रीडिंग लाइट्स हमें यहाँ पे मिल जाती हैं, एंड डोर लाइट्स हैं, जैसे ही आप डोर ओपन करोगे ये लाइट्स ऑन हो जाती हैं, और इसे आप मैन्युअली भी ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे तीनों पैसेंजर्स के लिए हमें यहाँ पे हेडरेस्ट मिल जाता है, जो कि बहुत सही चीज़ टोयोटा वालों ने दी है, मैक्सिमम कंपनी वाले इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पे हमें आर्मरेस्ट मिलता है, आर्मरेस्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है, आर्मरेस्ट में भी कप होल्डर का ऑप्शन है। अब आप सभी को एक बार इस गाड़ी का बूट स्पेस चेक करा दे रहा हूँ, बूट स्पेस हमें काफ़ी ज़्यादा मिलता है इस गाड़ी में, तो इस तरीके का है गाइस ओवरऑल बूट स्पेस। एंड हमें यहाँ पे एक ही लाइट प्रोवाइड होती है, वो भी राइट साइड में, लेफ्ट साइड में हमें कोई लाइट्स प्रोवाइड नहीं होती है, बट यहाँ पे हमें एक हुक मिलता है, एंड इस साइड हमें एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है, 120 वाट्स का यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। एंड बूट स्पेस हमें काफ़ी डिसेंट प्रोवाइड होता है, इधर भी थोड़ा बहुत स्पेस दिया हुआ है सामान रखने के लिए। एंड जब हम इसे ओपन करते हैं तब हमें यहाँ पे अपना स्टेपनी मिल जाता है, एंड इसके टूल्स मिल जाते हैं, तो इस तरीके का है गाइस कुछ ओवरऑल बूट स्पेस। और मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छा लगा, इसका बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, और मैन्युअली ओपन करना एंड मैन्युअली इसको बंद करना है। तो गाइस, बात कर लें इस गाड़ी के एवरेज के बारे में, तो इस गाड़ी का माइलेज कंपनी क्लेम करती है 27.97 लीटर्स का, और अगर आप सिटी में चलोगे 20 का भी दे दें तब भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये गाड़ी हमें पेट्रोल वर्जन में अवेलेबल होती है। प्राइसिंग की बात करें तो हमें ये 22 लाख 20,000 ऑन रोड प्राइस मिल जाता है हमें गोरखपुर में, और डिपेंड करता है कहाँ से आप गाड़ी परचेज करो, थोड़ा वो ऊपर नीचे रहेगा। एंड गाड़ी की यार मैं अपनी फेवरेट चीज़ बता दूँ, मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, तो इस गाड़ी की कुशनिंग एंड कंफर्ट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, एंड एवरेज एंड इसका पैनोरमिक सनरूफ, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपील कर रही हैं इस गाड़ी को परचेज करने के लिए। एंड गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो, अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके अपने थॉट शेयर करो कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी है, क्या अच्छा लगा है, क्या बेकार लगा, टोयोटा क्या सही करना चाहिए, क्या और वो इन्हेंस कर सकता है, ये सब चीज़ आप कमेंट करके बताना। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।